हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट कच्चे ताजे नारियल की लड्डू की रेसिपी। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताया और यकीन मानिए ये इतना टेस्टी बनता है कि इन लड्डू के सामने हर मिठाई फीकी लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाए, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये देखिए फ्रेंड, कच्चे नारियल को पहले हमने अच्छे से इसको कट कर लिया, छील लिया है। जो ऊपर काले वाला हिस्सा था ब्राउन ब्राउन, उसको हमने छील के इसको बारीक कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह हमें कट कर लेना है, बारीक कट करना है, जिससे क्या होगा कि फ्रेंड्स हम जो इसको बुरादा बनाएंगे मिक्सी जार से तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए इसका बुरादा बना लेते हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहे, बहुत ही ये आसान तरीका मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बीच में स्किप ना करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जितना इसमें मिक्सी जार में आ रहा है उतना इसमें ये नारियल डाल लेंगे और ये दो बार हो गए क्योंकि ज़्यादा दो नारियल थे, दो नारियल का ये मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह हमें बुरादा बना लेना है, बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन इसका पाउडर नहीं बनेगा, दरदरा बुरादा बनेगा। तो इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो फिर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। और अगर आपको और मिठाई बनानी है, रेसिपी देखनी है, तो मेरे चैनल पर आप जा सकते हो, बहुत तरह की मैं मिठाई बना के चैनल पे डाल रखा है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता रखा है मिठाई बनाना। और ये देखिए बातों बातों में इसको भी हमने मिक्सी जार से ग्राइंड कर लिया है। तो सारा बुरादा हमने बना लिया, दो बार करके बनाया क्योंकि दो नारियल थे। आप एक नारियल का भी बना सकते हो, लेकिन इतना ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि दो नारियल के भी बनाओगे तब भी कम पड़ जाएंगे। तो देखिए इस तरह हमारा बुरादा रेडी हो गया है लड्डू बनाने के लिए। तो इसको हाथ से थोड़ा ऐसे मसल लेंगे और अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ कि बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम कढ़ाई लेंगे, गैस को ऑन नहीं करना है। तो इसमें हम ये बुरादा का नाप ले लेते हैं कि कितना बुरादा है, तो इसी बाउल से हम नाप लेंगे। तो दो डाल दिया है तो टोटल हमारे चार बाउल हुए थे नारियल के बुरादे का। तो कोई भी आपको मेजरमेंट के लिए कटोरी कप या कोई भी रख लेना है, जितना आपका बुरादा है उसी हम इसका चार, ये बाउल हमारा बुरादा है तो इसी बाउल से हम सारा मेजरमेंट रखेंगे। आप कोई भी कटोरी कप रख सकते हो। तो चार हमारा नारियल का, चार बाउल नारियल के बुरादा हो गया। तो इसमें हम ये चार बाउल ही दूध के डाल देंगे। ये फुल क्रीम का दूध है, आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हो। तो टोटल हम चार कप, एक चार बाउल डाल देंगे। जितना आपने नारियल का बुरादा लिया है उतना ही आप दूध इसमें डाल दीजिएगा। तो हमने चार ने, आप देख सकते हो कि चार ये बाउल हमने दूध का डाल दिया है। ठंडा दूध नहीं कर लेना है, हमें नॉर्मल दूध ही लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मिक्स करने के बाद हम इसको गैस को ऑन करेंगे। तो पहले अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको गैस पे रख देंगे और गैस को हाई फ्लेम करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपको चलाने का झंझट नहीं है, आप इसको गैस पे रख के और काम कर सकते हो। जब तक ये अच्छे से गर्म होगा, इसमें उबाल आएगा, तब तक आप इसको गर्म रख सकते हो, बीच में चलाना नहीं है। तो ये देखिए इसमें एक उबाल आ गया है तो हम इसको चला लेंगे। तो इसमें कोई ये जलने का डर नहीं रहता है, क्योंकि जब तक इसमें ये दूध नहीं जलेगा तब तक इसमें ये बिल्कुल भी नहीं कढ़ाई के चिपकेगा, इस बात का भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है ताकि नीचे लगे ना। अगर बीच में हम कोई भी चीज़ नहीं चलाएंगे तो लगना जाहिर सी बात है। तो इसको हमें बीच बीच में चलाते रहना, बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए इतना ये दूध जल गया है, तो अभी थोड़ा इसको और चला लेते हैं। इसमें हम अभी चीनी ऐड करेंगे मीठा के लिए, क्योंकि हमने चीनी ऐड नहीं किया। तो चीनी का भी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए दो, इतना दूध जलने के बाद, गाढ़ा होने के बाद हमें चीनी ऐड करनी है। तो ये दो बाउल हम चीनी लेंगे, जितना हमने चार बाउल ये नारियल का बुरादा लिया है उससे आधा हमें चीनी लेने की। तो ये दो बाउल मैं चीनी का ले लूँगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर कम मीठा पसंद करते हो तो कम ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा चीनी नहीं लेना है, दो बाउल काफ़ी होते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके चीनी को भी हमें छोड़ देना है, क्योंकि इसे अगर हम लगे रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा इसमें,
तो आपको मिक्स करके छोड़ देना है। जब तक चीनी मेल्ट होगी तो ये चीनी एक बार पानी छोड़ेगी। तो ये देखिए चीनी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अभी छोड़ देंगे। और ये देखिए चीनी मेल्ट होने के बाद इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, पूरा पानी ऊपर आ गया है चीनी का। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिश्रण हमारा नारियल का फिर से लिक्विड हो गया है। तो जैसे जैसे चीनी पकेगी, चाशनी जैसे बन जाएगा अंदर से, तो ये एकदम फिर से मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा। तो चीनी मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए मिल्क पाउडर है। अगर आपके पास ये मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मावा भी डाल सकते हो। और मावा मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन हम सिंपल सा बना रहे हैं तो इसमें हमने एक बाउल मिल्क पाउडर डाल दिया। इससे क्या होगा कि इसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी और बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा, एकदम मावा जैसा इसका टेस्ट आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी, अगर आप मावा डालना चाहते तो इस टाइम आप मावा डाल सकते हो, लेकिन हमने बिना मावा के बना के आपको मैंने दिखाया है। तो ये देखिए मिल्क पाउडर को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, बहुत ही आसानी से इसमें मिक्स हो जाता है। कहीं दिखाते हम छान के मिक्स करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा डालोगे तब भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी हम ये छींटे ऊपर गिरेंगे तो इसको हम थोड़ा ढक देंगे, और अभी भी हमें हाई फ्लेम में पकाना, बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है। तो देखिए 5-6 मिनट बाद में कुछ इस तरीके से हो गया है, इसको बीच बीच में हमने चला दिया था। और ये देखिए अभी इसमें गाढ़ापन सा आ गया है, लेकिन हमें फिर से इसको चला के इसको ढक देंगे, क्योंकि ढकना इसलिए है कि फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा छींटे ऊपर आते तो पूरा चारों तरफ ये छींटे गिर के ये लग जाएगा। तो साथ में हमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। तो साथ में आपके लड्डू भी बनते रहेंगे और अलग काम भी आपका होता रहेगा। और अभी हम इसको थोड़ा ढक देंगे, क्योंकि छींटे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं जब ये पकता है तब, तो थोड़ा सा इसको खुला रखेंगे ताकि ये जले ना, बस छींटे ये ऊपर ना आए तब थोड़ा सा हमने ढका। तो ये देखिए बीच बीच में हमने फिर से इसको चला दिया, ये देखिए इतना गाढ़ा जैसा बन गया है। अभी ये देखिए थोड़ा कम गाढ़ा है, इसको और हम जलाएंगे तो 2-3 मिनट और लग जाएंगे। तो ये टोटल हमने आधे घंटे में ये हमने लड्डू बना के रेडी कर लिया था। इसमें समय थोड़ा, क्योंकि हमने ज़्यादा तो सामग्री ज़्यादा नारियल का बनाया है तो ज़्यादा थोड़ा समय लगा है। अगर आप कम एक नारियल का बनाओगे तो इसे 15 मिनट में ही बना लोगे। तो ये तो अपने ऊपर होता है कि हम कितना ये लड्डू बना रहे हैं, उतना ही हमें टाइम लगेगा। अगर थोड़ा बनाएंगे, एक बाउल का बुरादे का हम बनाएंगे तो बहुत ही 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए इतना गाढ़ा होने के बाद आपको इसका कलर भी चेंज हो गया है, एकदम जैसे मावा जैसा इसका दिखने में टेक्सचर लग रहा है। तो इसको अलग बाउल में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, कढ़ाई में हम नहीं रखेंगे कि जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है। तो ये देखिए इधर ये ठंडा हो चुका है मिश्रण लड्डू बनाने के लिए, तो हाथ में लेते हैं। देखिए अच्छे से ये ठंडा हम हाथ में ले सकते हैं, तो ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। अगर ठंडा ज़्यादा हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल ठंडा है इसलिए मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा हाथ पे मैंने घी लगा लिया ताकि ये चिपके ना, और इसको अच्छे से लड्डू बांध लेंगे। बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे इस तरह। लेकिन आपको दूध अच्छे से इसका जलाना है, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, एकदम डो जैसे बन जाए तभी आपको ये लड्डू बनाने हैं, तभी आप, नहीं तो ये क्या होता है कि एकदम ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं तो लड्डू अच्छे नहीं बनते। इस तरीके से आप मिश्रण को एकदम टाइट करोगे तो लड्डू बन जाएंगे। साथ में हमने ये नारियल का बुरादा लिया है, लड्डू बनाने के बाद ही ऊपर से इसे लगा देंगे, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। अगर आपके पास ये सूखा नारियल का बुरादा तो आप लगा सकते हो, नहीं तो सिंपल भी रख सकते हो। मैंने ये सूखा नारियल का बुरादा इस पर थोड़ा सा लगा दिया है, जिससे लड्डू दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो ऐसे ही हम लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हो, तो इस दिवाली पे कोई भी फेस्टिवल पे आप बना सकते हो, आपका मीठा खाने का मन करे। साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी होते ताज़े नारियल के बुरादे का हमने ये बनाया है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ। अगर पूरा वीडियो दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, पूरे लड्डू बनाते दिखा दिया, मैंने नहीं दिखाया है। तो देखिए सभी हमने लड्डू बना लिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। इसको बिना फ्रिज में भी आप रख के 5-6 दिन खा सकते हो, फ्रिज में रख के आप वो इसको 15-20 दिन एंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरे लड्डू की रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।